स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोमेडिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद जरूरी वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कि डायबिटीज में बादाम का रोल क्या है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप निश्चिंत होकर बादाम खाइए और शुगर लेवल जो है वो अपने आप कंट्रोल में रहेगा। तो अगर दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि बादाम से शुगर कंट्रोल करना है तो आपको ये बातें जाननी है कि बादाम में ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं और बादाम को कब खाना है, कितने खाने हैं, कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और जान लेते हैं सबसे पहले बादाम के पोषक तत्वों के बारे में। तो दोस्तों ये तो निश्चित है कि बादाम एक शानदार सुपर फूड है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये फाइबर से भरपूर है और कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल तो इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आपको बादाम कब, कैसे और कितने खाने हैं। तो हाँ दोस्तों, खाली पेट खाने हैं सुबह नाश्ते के समय और कम से कम 8 से 10 बादाम रोज़ खाने हैं। आगे बात करें दोस्तों कि अगर आप इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं बादामों का, तो इन्हें रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह बादाम का छिलका उतार कर फिर इन्हें खाइए। कुछ लोग इनको पीस करके दूध में मिला करके यानी बादाम मिल्क बना करके भी पीते हैं, वो भी एक शानदार तरीका है। फिर कैसे और क्यों करता है बादाम फ़ायदा, तो जान लेते हैं दोस्तों कि बादाम जो है वो डायबिटीज़ में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। और अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो आप रोज़ाना बादाम खाएंगे अगर, तो बादाम से इंसुलिन का प्रोडक्शन रेगुलेट रहेगा और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। फिर एक और बात दोस्तों कि बादाम में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, पर्याप्त होती है। और डाइट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप रोज़ाना बादाम डाइट में शामिल कर रहे हैं तो आप डायबिटीज़ के अलावा अन्य कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों अगर आप रोज़ाना बादाम का सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होता है। और बादाम खाने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो मैंने पहले बताया कि रात में भिगो करके रख दीजिए पानी में और सुबह फिर नाश्ते के समय या नाश्ते से पहले इन्हें छील करके खा जाइए या इनको पीस करके दूध में मिला करके बादाम मिल्क बना करके पी जाइए। किसी भी तरह से अगर आप सुबह नाश्ते से पहले बादाम कंज्यूम करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ ज़रूर कंट्रोल में रहेगी। बस करना यह है कि आपको इसे डेली खाना है, लंबे समय तक खाना है। कम से कम 1 महीने तक जब आप इस तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आएगा और आप देखेंगे कि आप और भी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी